नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये एक छोटी सी कोटेशन, एक छोटा सा सुविचार जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं हम लोग आज का हमारा क्या टॉपिक है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में, घटना चक्र बुक सामान्य अध्ययन। और इस बुक में हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन के बारे में हम ये एक वीडियो की सीरीज आपके सामने लेके आए थे और काफ़ी सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो घटना चक्र प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर वो सभी वीडियो आप देखें। और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखें और उन सभी क्वेश्चन को नोट करें जो आपको नहीं आते हैं। जो आपको आते हैं उनको आपको नोट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। ये डिसाइड करना बाद में, ठीक है, अभी नहीं करना, आपको लाइक बाद में करना है। और आपका अगर कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तब करना, उससे पहले आप लोग एक बार घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाकर के देखना कि कितने वीडियो उसमें अपलोड हो चुके हैं, कौन कौन से वीडियो आपके लिए यूजफुल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पार्ट 7। इसमें हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर वन हमसे कहता है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था। उसका नाम था नालंदा, ठीक है, आप याद रखिएगा नालंदा। और ये 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित है। अगर आपको ये नालंदा विश्वविद्यालय देखना है, सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दक्षिण में। कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बड़गांव में। नालंदा का बौद्ध धर्म से प्राचीन संबंध था, तथापि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से ही शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हुई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। देखिए बाण भट्ट जो थे, इनका जो नाम था बाण भट्ट, ये एक्चुअली हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये आप याद रखिएगा, दरबारी कवि। तो इनका संबंध एक्चुअली ये दरबारी कवि थे, किसके थे, ये हर्षवर्धन के थे। आपसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है कि हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको अब चल गया पता उनका नाम था बाण भट्ट। लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको ये नहीं कि जो क्वेश्चंस डिस्प्ले सामने आपको हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपको सेम इस तरह से क्वेश्चंस वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ना देने की संभावना 70% है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप रीड करते हो तो उसमें छोटा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुको उसमें, और उसके बारे में थोड़ा सा ये विचार करो कि इसमें से एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर उसने हमसे ये क्वेश्चन के तरीके से ना पूछ करे, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, क्वेश्चन जो हमारे सामने उसने डिजाइन करके दिया, प्रेजेंट करा, कहीं हम उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाण भट्ट। आपसे ये भी कह सकता है कि हर्षचरित द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, तो हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित जो है पुस्तक का नाम है, बट राइटर कौन है इसके, बाण भट्ट। तो आप नोट्स में बस ये लिखिएगा, हर्षचरित पुस्तक बाण भट्ट इसके लेखक थे। अब बात करते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी कि हर्षचरित के लेखक कौन है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, या बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा हर्षचरित। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि एक महान रोमनी नाटक कादंबरी के लेखक कौन थे। इनके लेखक का नाम था बाण भट्ट, इन्होंने कादंबरी भी लिखी थी, और क्या लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हर्षचरित। दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी, ये लिखी थी बाण भट्ट ने। तो अपने नोट्स में दोनों ही पुस्तक का नाम एक ही लाइन में लिखना और उसके रचयिता का नाम लिखना बाण भट्ट।
अब बात करते हैं कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। ये थी देवगिरी में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तथा देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रखा था। क्या रखा था नाम? दौलताबाद। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि ये पेज अप डाउन हो रहे हैं, शायद आपको तकलीफ हो रही होगी कि पेज अप डाउन हो रहे हैं, तो कुछ लोगों के माइंड में, कुछ लोगों को बहुत जल्दी हैडक हो जाता है, कुछ बच्चे काफी सॉफ्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको ज्यादा कम करता हूँ जूम पर, तो आप लोगों को वॉच नहीं हो पाएगा। मैं छोटा सा एक सैंपल दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं एक पेज पे एक व्यू करूँ इस तरह से, तो आपको क्या अब फॉन्ट क्लियर हो रहे हैं वीडियो के? आई होप शायद आपको नहीं हो रहे होंगे, और मुझे भी रीड करने में दिक्कत होगी ऐसे में। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी यही रखता हूँ कि वीडियो का जूम लेवल थोड़ा सा सही होना चाहिए, जिससे कि आपको एक एक वर्ड काफी आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं जूम काफी अधिक रखता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से पढ़ने में आ जाए। देखिए, थोड़ा बहुत तो कष्ट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक काम करिए कि बुक को परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, ठीक है? जैसे बेस्ट लग रहा है आप वैसे करिए। ये वीडियो उनके लिए है जो फिलहाल फाइनेंशियल बहुत वीक है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कि उनके पास सोर्स कम है पढ़ाई करने के। तो इसलिए ये बुक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस वीडियो के माध्यम से आप स्टडी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, उनका नाम क्या? उनका नाम था चंद बर दाई। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था, इसका नाम है इस्लाम। धर्म का विकास मतलब इस्लाम धर्म का विकास 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म का जो विकास था, प्रारंभ हुआ था, वो कौन सी शताब्दी से हुआ था? वो शताब्दी थी आपकी 7वीं शताब्दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपका धर्मपाल ने। किसने बनाया था ये बनाया था धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। इसमें एक दिलवाड़ा मंदिर है, वो मंदिर किसने बनाया था? ये बनाया था तेजपाल ने, ठीक है? तेजपाल ने बनाया था दिलवाड़ा का मंदिर। और इससे पहले हमने बात करी थी कि क्या विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को प्लीज ध्यान से नोट करिएगा और उसे याद करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है, कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खुजराव चंदेल, खुजराव चंदेल। और बात करें हम लोग की एलोरा के बारे में, देखिए जैसे ग्रीन दे रखा है ना, जो ग्रीन से हमने हाईलाइट कर रखा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। एलोरा का निर्माण कराया राजकोट ने, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव ने बनाया था, मीनाक्षी मंदिर पांडे ने बनाया था, खुजराव का जो निर्माण कराया था वो कराया था चंदेल ने। तो ये चारों के चारों जो भी आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहे हैं और उनके राजवंशों के नाम जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको आप याद कर लीजिए अभी, ठीक है? इसको आप अभी याद कर लीजिए, इसको पेन डाउन करिए। और अगर आपसे पूछेगा कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है करके पूछेगा, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको चारों के चारों राइट आंसर पता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में वो कैसे पूछेगा। देखिए, खुजराव मंदिर का निर्माण किसने करा था? खुजराव मंदिर के बारे में अभी हमने देखा था ऊपर की चंदेल के बारे में बात करी थी हमने, चंदेल वंशों ने इसका निर्माण कराया था। तो चंदेल राजपूत ने क्या करा था? खुजराव मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए इन्हीं में से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलोरा मंदिर का निर्माण, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी, या मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो सबके सब वंश आपके सामने हैं। अब आप बस लिखिए और इसको याद करिए और जल्दी से सिलेक्शन करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि इस ईयर में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इस पोस्ट में हुआ है, पे स्केल ये है, वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपसे पूछूंगा। बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 की कि निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, विश्व विरासत सूची में कौन सी चीज शामिल नहीं है? उसने बोला है नहीं है, आप नहीं है पे फोकस करना पहली बात तो, ठीक है?
वो एक ना क्वेश्चंस नहीं से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर देगा। आपका एग्जाम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी लेवल की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपका एज ए बैकबोन काम करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। इसलिए ये बुक को हम जल्द से जल्द खत्म करने जा रहे हैं। प्ले लिस्ट देखिए घटना चक्र की, उसमें सभी वीडियो को देखिए और उन सभी वीडियो का आप लाभ उठाइए। देखिए नालंदा के ध्वस्तावशेष, नालंदा जब ध्वस्त हुआ था उसके जो अवशेष बचे हैं वहां पर, वो अब तक क्या है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं करे गए हैं। खुजराव ए ऑप्शंस, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सभी क्या हैं, ये विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं, लेकिन नालंदा के जो ध्वस्त अवशेष हैं वो अभी शामिल नहीं हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना करी। आपने सुना है गाना कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो राजा भोज जो था वो था भोपाल से संबंध रखता है। और भोपाल कहां पर है, भोपाल है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक बात और, मैक्सिमम दालों का उत्पादन कहां पे होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये पता होगा मैक्सिमम दालों का उत्पादन होता है भोपाल में। अब देखिए राजा भोज से संबंधित कुछ बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित करा गया था और राजा भोज ने भोपाल शहर तथा भोजपुर नगर की स्थापना करी थी। इसने दो चीज की स्थापना करी थी, किस चीज की, एक तो भोपाल शहर बनाया था और दूसरा बनाया था भोजपुर नगर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। जो मिहिर भोज था वो राजपूतों के किस कुल से संबंध रखता है, वो रखता है प्रतिहार से। क्वेश्चन नंबर 17, हे निशांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। हे निशांग हा से हे निशांग, हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन, हा से हे निशांग, तो दोनों के दोनों नाम आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ये आया था हर्षवर्धन के काल में। और ये हेनसांग कौन था, ये प्रसिद्ध चीनी यात्री था हेनसांग, जो कब आया था 630 से लेकर के 643 के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग की भारत यात्रा का वृतांत सी यू की नामक ग्रंथ में है तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित हेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। हेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ये थी छोटी सी डिटेल, लेकिन आपको याद रखना है कि हेनसांग किसके काल में भारत आया था। आगे बात करते हैं, देखिए हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए हर्षवर्धन के बारे में अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 17, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब बात करिए इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसने घुमा दिया, मैं यही आपके अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरे तमाम जितने भी वीडियो चैनल पे हैं, मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि इसमें जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़िए, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, माइंड में क्वेश्चंस बना के देखिए, नया क्वेश्चंस बना के देखिए और उसका आंसर याद करिए। टाइम लगेगा इस चीज में, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको आंसर क्या होगा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जोश खरोश में पढ़ाई नहीं करनी है। कोई बुक खरीद के ले आए, उसमें 100 पेज हुए, 100 को डिवाइड कर दिया आपने इतने डेज से, और एक दिन में आपने डिसाइड करा कि मुझे 25 पेज पढ़ने हैं। 25 पेज तो आपने पढ़ने हैं, वो चीज राइट है, लेकिन उसमें आपके पास क्वांटिटी होगी, क्वालिटी होगी या फिर नहीं होगी, उस पर भी आपको फोकस करना है। क्वालिटी तभी बनेगी जब आप पूरी की पूरी तैयारी ध्यान से पूरी तैयारी के साथ किसी क्वेश्चन में लगेंगे। देखिए जल्दी जोश करो, उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। एग्जाम में टाइम काफी कम है, मैं ऐसे कैसे पढ़ सकता हूँ, ऐसे तो मेरा सिलेबस बहुत लेंथी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेंथी जाएगा, लेकिन आपका जो बेस होगा काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और जल्दीबाजी में आप काम मत करिए, मैं बस केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग जोश करो, उसमें बहुत ज्यादा पन्ने पलट रहे हैं, डिसाइड कर लिए इतना पढ़ना है, साफ सीधी बात यह है कि आपका ठीक है, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप तेज रफ्तार वाले घोड़े पर तो सवार होंगे, लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, ठीक है। और जिस घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है तो वो घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है आगे आप समझदार हैं कि फिर क्या होगा, ठीक है। इतना इशारा आप लोगों के लिए काफी था। बात करता हूँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 की, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। ये प्रदान करा गया था हेनसांग को, ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स।
हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री ह्योनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पिलग्रिम्स के नाम से किसको जाना जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तो ये नाम है आपका ह्योनसांग का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बात करते हैं, देखिए, अर्ली मेडाइवल इंडिया के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। प्रतिहार, राइट आंसर है कन्नौज। चंदेल खुजराव, परवार धार, चालुक्य अनहिलवाड़। तो इसका ये राइट आंसर है। सबका क्रम क्या होगा, पहले का 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की, कि निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो मार्को पोली जो था वो था इटली का, और इबन बतूता जो था वो था मोरक्को का। तो ये इबन बतूता अगर आपको याद होगा, देखिए कई बार आपने पढ़ा होगा, अगर आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो चुका है तो आपने आराम से ये नाम याद रखा होगा कि इबन बतूता किससे है, मोरक्को से। अब आपको याद रखना कि बी का फोर क्या है। देखिए बी की मैच मेकिंग बन रही है फोर के साथ में, तो बी का फोर यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में आपको रखा है, बी का फोर। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर यही लगा के आ सकते हैं। बाकी आपको याद नहीं भी है तो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड कुछ बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए ना जीके की। मोरक्को इबन बतूता, तो ये तो नाम आपने सुना ही होगा अगर आपने तैयारी कर रखी है। अगर तैयारी नहीं कर रखी तो पहले आप इसको याद करिए, और उसके साथ बाकी के ऑप्शन जो भी आ रहे हैं उस पर फोकस मत करिए, डायरेक्ट अपना राइट आंसर बी ए लगा के आ जाइए अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। एक्चुअली पता है आपका वो कोई दुश्मन नहीं बैठा एसएससी वाला, ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन करना ही नहीं है उसने। भाई उसको तो भैया पोस्ट खाली पड़ी है, उसको तो बच्चे हायर करने हैं जॉब, भैया उसको डिपार्टमेंट में भैया फिल करनी है पोस्टों को, बंदे वो रखने हैं जिनके अंदर नॉलेज होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा। तो आप अगर आपने पढ़ रखा है, देखिए तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन से राइट आंसर लगाना। बी का फोर, देखिए बी का फोर किसी और ऑप्शन में नहीं है, केवल इसमें ही दे रखा है, और बी बहुत ही बेसिक जीके है आपकी, तो इसलिए इसने इसको दिया। आप अपना राइट आंसर आ जाइए, बस उसके बाद क्या है, नंबर आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बीत पाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित रखते हैं। ये रखते हैं पाल युग से। और क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका नाम है नालंदा। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड विश्वविद्यालय कौन सा है आपसे पूछे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है क्या, नालंदा। और नालंदा वर्तमान में कहाँ पर है, ये है बिहार राज्य में। कहाँ पर है ये है बिहार राज्य में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है राज्य का नाम या प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा बिहार प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ये अपने नोट्स में नोट करिए। केवल 3 लाइन, बस 3 शब्द लिखिए और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और परी में 4 मठ स्थापित किए गए, ठीक है। 4 मठ कौन कौन से हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ में, द्वारका में और पुरी में। 4 मठ को स्थापित किसने किया गया था, ये करा था आदि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, ये थे शंकराचार्य। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कराया था, देखिए नष्ट किसने कराया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है ये माइंड में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन बख्तियार ने इसको नष्ट करवाया था, मोहम्मद बिन बख्तियार। बख्तियार से आप याद करिए हथियार, हथियार से क्या होती है, कोई चीज नष्ट होती है। हथियार से क्या होता है, हथियार से हमेशा तबाही मचती है, तो तबाही क्या एक नेगेटिव सेंस है, तो बख्तियार का मतलब हथियार। आप इस तरह से इसको याद करिए और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन में आपको बख्तियार वो पक्का देगा, मोहम्मद बिन नहीं देगा, बिन बख्तियार दे सकता है, मोहम्मद बख्तियार दे सकता है। बख्तियार से आप याद करिए हथियार, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया किसने, बख्तियार नहीं हथियार ने। क्वेश्चन नंबर है 28, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, ये करा था पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य वंश में, नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे पराजित करा था, ये करा था नर्मदा नदी के किनारे। आपसे एग्जाम में नदी का नाम भी पूछता है, और कब हराया था ईस्वी में ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा किस नदी के किनारे उसको हराया था, तो उसको हराया था नर्मदा नदी के किनारे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी, उसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी थानेश्वर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने, ठीक है, अरबों को किसने हराया था, उसका नाम क्या, उसका नाम है प्रतिहारों ने। आगे बात करते हैं कि 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था,
इस युद्ध में प्रतिहार राजा जो थे वो थे नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था, और राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इबन अब्दुल रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। इस युद्ध का एक अन्य नाम भी दिया गया, इसका नाम है राजस्थान का युद्ध। और ये कब हुआ था? 738 में। किसने किसको हराया था ये आप याद करिए और उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, कोणार्क मंदिर जो है वो किस देवता को संबोधित करते हैं, किस देवता के लिए वो मंदिर डेडिकेटेड है? जैसे हम बोलते हैं कि शनि मंदिर, तो शनि मंदिर शनि भगवान के लिए फेमस होता है, हनुमान मंदिर हनुमान जी के लिए फेमस होता है। तो ये कोणार्क जो मंदिर है वो किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, कौन से भगवान के लिए वो फेमस है? तो ये मंदिर है एक्चुअली सूर्य भगवान के लिए, ये मंदिर क्या है ये संबोधित करता है, इन देवता से संबंधित है। तो कोणार्क का संबंध किससे है? सूर्य से, सूरज से, सन से। तो एग्जाम में आपको सूरज देगा या फिर देगा सूर्य, तो दोनों में से कोई एक नाम आपको दे सकता है। बात करते हैं अब इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए कोणार्क मंदिर जो डेडिकेटेड है वो है सूर्य देवता के लिए, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था, ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, 32, कि प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, अध्ययन का कौन सा केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, नालंदा था और कौशाम्बी था, लेकिन विक्रमशिला जो था वो अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी को छोड़कर अन्य तीनों प्राचीन भारत में विद्या के अध्ययन केंद्र थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फिलहाल कौशाम्बी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, कौशाम्बी। विक्रमशिला और तक्षशिला और ये नालंदा ये सभी थे और ये नहीं था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, कि सांची क्यों विख्यात है, सांची किस लिए विख्यात है? ये विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें नहीं है पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बन जाती है। बात कर रहा है अध्ययन का केंद्र कौन सा नहीं था, तक्षशिला भी था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है और नालंदा भी है, ये पड़ता है आपका बिहार में। तो आपका ये जो है काफी ऑड है, इसमें ये विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रखता, ये विद्या का कोई भी केंद्र नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, कि सांची का महान स्तूप है कहाँ पर? यह है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? यह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर के शैव मंदिर में नटराज की प्रतिमाएं भी हैं। भुवनेश्वर के कौन से मंदिर में नटराज की प्रतिमाएं पाई जाती हैं, मिलती हैं, उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है शैव मंदिर। आगे बात करते हैं, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था किसको? जैन धर्म को। और कलिंग का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? अशोक के बीच में और राजा खारवेल के बीच में। और कलिंग कहाँ पर है? कलिंग है उड़ीसा में। और इसके साथ एक फैक्ट और, कि इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेख या साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। और आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपका फ्रेंड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वहां के सारे वीडियो वॉच करिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको दिखाई देगा उसके बगल में एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक आप जरूर 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 करिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस चैनल पर कभी भी जब भी हम लोग कोई एक वीडियो अपलोड करते हैं, डेली के आपको मिलते हैं दो वीडियो इस चैनल पर, और डेली के दो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, ऑल द बेस्ट, और आपसे मैं अगेन कहूँगा कि अपने नोट्स बनाइए, उन सबको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।